और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। आज दोपहर बाद एआईसीसी वॉर रूम में होगी ये बैठक। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से अलवर से दिल्ली जाएंगे जूली और दोपहर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली की बैठक में बनेगा 3 नाम का पैनल, उसके बाद कभी भी कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। तो दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है एआईसीसी मुख्यालय में, और इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 नाम का पैनल इसमें शामिल होगा, बैठेगा, और उसके बाद डिसाइड होगा कि लिस्ट में नाम कौन से होंगे। पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कभी भी हो सकती है। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी की ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक पैनल बैठेगा, उसके बाद कभी भी कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। देखिए कि आज कांग्रेस की दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इससे पहले फरवरी में हुई थी, और अब ये दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसलिए भी देरी करी कांग्रेस ने क्योंकि वो बीजेपी की जो लिस्ट थी उसका इंतजार कर रही थी, शायद इसी के चलते। आज दोपहर बाद में सभी ये जो स्क्रीनिंग कमेटी के नेता हैं, रजनी पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कांग्रेस वॉर रूम जो कि इस लोधी स्टेट में स्थित है वहां पर होगी। इस बैठक में अगर कहें राजस्थान से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इसके साथ ही अगर बात करें डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, प्रभारी रंधावा, तीन सह प्रभारी, इसके साथ ही अगर बात करें टीकाराम जूली सहित तमाम लोग इसमें बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर है वो शामिल होंगे। और इस बैठक में खास तौर से बात करें जो बदली परिस्थितियां है, जो बीजेपी ने 15 सीटें घोषित की है और उसके बाद कुछ ऐसे जैसे कि राहुल कसवा हो चाहे दूसरे जो नेता हैं जो कांग्रेस के संभवतः कोशिश कर रही है उनसे संपर्क करने की, इसके साथ ही नागौर सीट जहां पर वो छोटे दल से कह सकते हैं तो वो गठबंधन करने की कोशिश कर सकती है या गठबंधन को लेकर आज चर्चा हो सकती है। तो तमाम वो चीजें छोटे दलों से गठबंधन, साथ ही कुछ खिलाड़ी या फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको टिकट देने की बात, और इसके साथ अगर कहें तो जो बदली परिस्थितियां उसमें उन सभी चीजों को लेकर आज चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक के 3 लोगों का पैनल तैयार करके निजाम अगर बात की जाए लिस्ट में नामों की तो कौन कौन से वो संभावित नाम हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रदेश स्तर पर करीब 25 सीटों को लेकर पिछली बार भी बैठक में चर्चा हुई, लेकिन सभी जगह से जो सुझाव आए थे वो यही आए थे कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बड़े नेता जो हैं वर्तमान में चुनाव लड़ना नहीं चाहते और लगभग सभी मना कर रहे हैं, इसके चलते ही अगर कहें तो बहुत अलग स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है, जैसे कि अगर बात करें टोंक जिस सीट पे माना जा रहा था कि कांग्रेस सचिन पायलट को लड़ेगी, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो हरीश निर्णय पूर्व ब्यूरोक्रेट्स वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बात करें नागौर की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट सीट रहेगी, यहाँ कांग्रेस हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोक है उसके साथ गठबंधन कर सकती है, अगर वो इसके बात भी नहीं करती तो वो हरेंद्र मिर्धा को यहाँ से टिकट दे सकती है। चूरू का मामला, पहले यहाँ अनिल शर्मा को टिकट देने की बात थी लेकिन राहुल कसवा का टिकट कटने से अब कांग्रेस राहुल कसवा या उसके पिता राहुल राम सिंह कसवा से संपर्क कर सकती है। बांसवाड़ा जैसी सीट पे जहाँ पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे लेकिन अब किसी पूर्व रिटायर्ड नौकरशाह को जो है आईएएस जो रहे हैं रिटायर्ड उनको टिकट दे सकती है। इसी तरीके से अगर बात करें, देखिए अलवर में है तो वर्तमान में डॉक्टर करण सिंह यादव है, भंवर जितेंद्र सिंह है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, ललित यादव है। झालावाड़ 12 में प्रमोद जैन भाया और रामनारायण मीणा है, तो इसी तरह से कोटा में शांति धारीवाल के साथ रामनारायण मीणा के साथ अशोक चांदना है, उदयपुर में दयाराम परमार है, बीकानेर में भी गोविंद राम मेघवाल और शिमला नायक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जोधपुर से अशोक, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं तो वैभव गहलोत है, महेंद्र विश्नोई है, मानवेंद्र सिंह है, और इसी तरह से वैभव गहलोत अब जालौर सिरोही के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और रतन देवासी है, ओम सिंह है जो जालौर से है, भरतपुर भजन लाल जाटव और संजना जाटव है, पाली जैसी सीट से संगीता बेनीवाल बंदेजा हम जाखड़े भी कोशिश कर रहे हैं, तो दिव्या मरेणा और सुनील चौधरी नए नेता हैं, उनका नाम काफी तेजी से आगे बढ़ा है। इसी तरीके से बांसवाड़ा में फिलहाल कोई नाम नहीं है लेकिन बाप पार्टी से कांग्रेस
कह सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं। निजाम, क्या ये देखने को मिलेगा कि हमेशा की तरह कांग्रेस पहले बीजेपी का इंतजार करती है कि पहले वो लिस्ट जारी करे? इस बार जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तब भी कहा गया था कि बीजेपी तो अपनी पहली लिस्ट में ही हार गई, जिस तरीके के नाम सामने आए थे। उसके बाद क्या लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट आ जाएगी या अभी भी समय लगेगा हमेशा की तरह? देखिए जी, ठीक है, निजाम से हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निजाम। तो देखिए, बैठक में